वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल भाई लोग, रेडी टू रेस, स्विच ऑन, पावर बटन, नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे स्टैंड है, फिर भी क्यों, हाँ क्लच यहाँ पे प्रेस करना था, अगेन चेक एक बार कर लेता हूँ, नहीं होगा, देख लो यहाँ पे नहीं हो रहा है, देख रहा हूँ फर्स्ट गियर में है, यहाँ पे क्लच जब प्रेस करूँगा उसके बाद ही होगा, देख लो यहाँ पे एक बार वन नहीं हो रहा, क्लच प्रेस करो, फर्स्ट गियर में है, हो गया, पता नहीं था मुझे एग्जैक्टली, रिव्यू डालना ही भूल गया था, तो आज का वीडियो होने वाला है आफ्टर सेकंड सर्विस ऑनरशिप रिव्यू ऑन KTM RC390। लेट्स बैक इट अगेन वंस मोर टाइम। सामने आ रही है दो दो कार अपने साइड में से, एक दूसरी गई, पिछली बार हम जिससे मिले थे वो हम तो भाई तो मचा लेते हमारी RC390 पे, बट उसका मेन रीजन है इसका पावर एंड इसका ब्रेकिंग सिस्टम। हाय गाइस, आज की डेट है 21 जनवरी और मैंने अपनी RC390 की सर्विस करवाई थी करीबन वन मंथ पहले, करीबन 17-18 दिसंबर को, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर सेकंड सर्विस हमारी RC390 पे क्या क्या चेंजेस आई है और इसमें कितना खर्चा हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहली बात की भाई लोग, इसमें जो खर्चा आया है वो पार्ट चेंज करने का आया था करीबन, इसका ये देख लो डिस्क पैड है, इसको कहते हैं जो ये होता है, इस डिस्क को यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ब्रेक लगाते हैं, वो डिस्क पैड है भाई लोग, वो डिस्क पैड ही चेंज करने पड़े थे क्योंकि वहाँ पे सर्विस वालों ने बोला था कि इसके डिस्क पैड चले, डिस्क पैड मतलब खराबी हो गए ऐसा ही समझ लो, अगर हम थोड़ी देर और भी चलाएंगे तो ये जो डिस्क है ना भाई लोग वो टोटल डैमेज हो जाएगी, मतलब बड़ा खर्चा आएगा। तो वहाँ पे KTM वालों ने बोला था कि इसका डिस्क पैड है वो चेंज करवा लो, करीबन 500-600 का खर्चा होगा, बट इतना नहीं आया, करीबन 150-200 का ही आया था, बीच में मैंने ठीक से देखा नहीं बट उतना ही था। ओके, तो इसका पहला है कि डिस्क पैड जो है वो चेंज किया था, और भाई लोग इसमें जो मेन प्रॉब्लम आई है आफ्टर सेकंड सर्विस वो ये है कि ये वाला पार्ट आई थिंक मुझे लग रहा है कि हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है, और यहाँ या फिर यहाँ पे दोनों में से एक साइड पे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है और उसकी आवाज़ भी मतलब आ रही है, बहुत इरिटेटिंग कर रही है, जैसे हम इसको थ्रोटल देके ऐसे छोड़ते हैं, अदरवाइज हम राइडिंग के टाइम पे जैसे हम थ्रोटल ज़्यादा करते हैं ना, जैसे इसका RPM ज़्यादा होगा तो ये वाले पार्ट में या फिर ये वाले पार्ट में आवाज़ आ रही है। तो भाई लोग मुझे ये चीज़ बहुत मतलब इरिटेटिंग लग रही है कि इसकी ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई लोग जब भी हम बाइक की सर्विस करवाते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस जो भी काम रहता है वो होता है इंजन ऑयल चेंज करना होता है, और इसका इंजन ऑयल मुझे करीबन कॉस्ट में पड़ा था 1500 रुपीज़ के आजू बाजू, एंड इसका जो कूलेंट लेवल है भाई लोग वो मुझे लग रहा है आई थिंक सेम टू सेम है, यहाँ पे मैक्स के ऊपर हल्का सा है जैसे हमने वहाँ पे फिल किया था, और भाई लोग मुझे लगता नहीं है कुछ और भी वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ होगा। गाइस, हमारी RC390 में एक और भी प्रॉब्लम थी, ये थ्रोटल की थी सेकंड सर्विस से पहले, ठीक है, जैसे मैं इसका थ्रोटल देता हूँ तो वो थोड़ी देर के बाद रिएक्शन कर रही थी, मतलब जितना करना चाहिए था उतना नहीं करती है, वो बाद में करती है एक्चुअल में परफॉर्मेंस, राइट, तो ये भी प्रॉब्लम आई थी थ्रोटल की, तो मैंने वहाँ पे KTM सर्विस वालों को बोला है, तो उन्होंने बोला है कि इतना तुझे हाई RPM पे नहीं चलानी है, स्पेशली सेकंड गियर पे, राइट ना, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हाई RPM पे चलाएंगे तो ये वाला पार्ट है ना भाई, देख रहे हो इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बट वो भी डैमेज हो जाएगा और वो वाला पार्ट है वो वारंटी में नहीं आता है, राइट, तो अगर हम इतना ऐसे ऐसे चलाएंगे तो मतलब खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो मुझे यही सलाह दे रहे थे कि ये वाला पार्ट डैमेज हो जाएगा, हाई RPM पे मत चला। गाइस, तो बातें हैं मेन बात पे, आफ्टर सेकंड सर्विस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या खड़ी हुई है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, वाइब्रेट यहाँ पे करके आवाज़ करी है ये वाले पार्ट या फिर ये वाले पार्ट में से, वो अब न्यू क्रिएट हुई है, और एक और भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो पिस्टन है ना इंजन का नीचे टकरा है, जैसे मैं इसका थ्रोटल ऐसे करके छोड़ता हूँ तो नीचे टाक करके आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है 100% ऐसा ही लग रहा है कि पिस्टन है वो नीचे टकरा है, बहुत मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए भाई लोग मैं जाने वाला हूँ अहमदाबाद, क्योंकि मैं इसकी
ऐसे के ऐसी हालत में तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक तो करवानी है। सेकंड सर्विस के बाद भी पहले, अभी मैंने जस्ट 1 मंथ पहले करवाई है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, तो मुझे स्पेशली जाना पड़ेगा अहमदाबाद, इसकी सर्विस तो करवानी पड़ेगी फिर से, राइट। नेक्स्ट यहाँ से अब चलते हैं घर के लिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसी लोकेशन पे आया हूँ, ये वाला हाईवे है और यहाँ पे मतलब पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ गए हैं और ये फोर व्हील्स और ट्रक है भाई, लोगों को बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो। गाइस अपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो में कमेंट करके श्योर जाना। हम फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे से प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सेफ राइड।